हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो पर बताऊंगा आप लोगों को रीनल का सिरप के बारे में, जो बहुत ही बेस्ट एक जाने माने आयुर्वेदिक दवाई है। बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनमें से 30% लोगों को रीनल का सिरप के बारे में फुल जानकारी नहीं है। किन लोगों को रीनल का सिरप नहीं लेना चाहिए, इसका डोजेस भी क्या हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट भी क्या हो सकते हैं, तो फुल जानकारी मिलेगा फ्रेंड्स इस वीडियो पर आप लोगों को। चाहो तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। अगर वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो तो आप लोगों को फुल जानकारी मिलेगा फ्रेंड्स। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर जो रीनल का सिरप है, इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 125 रुपीज कहीं भी मेडिसिन शॉप से आप लोगों को मिल जाएगा। 200 ml बेटोल आप लोगों को मिल जाएगा। चाहो तो आप लोग ऑनलाइन से इसको खरीद कर सकते हो, ऑनलाइन से इसको ले सकते हो फ्रेंड्स। और इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको बनाते हैं हिमालय कंपनी, इसको बनाते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रेंड्स। तो जान लेते हैं इसको लेने से आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या क्या मदद होने वाला है फ्रेंड्स। देखिए, आजकल बहुत ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे पेशाब की रास्ता में बहुत ही ज़्यादा खुजली महसूस होता है। ज़्यादातर लड़की को ये प्रॉब्लम भी बहुत होता है, जो प्रसव करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुजली की महसूस होता है। दूसरी कंडीशन, प्रसव करने के बाद बहुत ही ज़्यादा जलन होता है। अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। बेनिफिट नंबर टू, जैसे मान लो बहुत ऐसे लोग देखने को मिलता है जैसे प्रसव रुक रुक के आता है, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। बेनिफिट नंबर थ्री, जिन लोगों को किडनी पर पत्थर की समस्या है या पत्थर हो गए हैं किडनी पर, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि इस सिरप लेने से पत्थर गिरने का समस्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गिरने का समस्या होता है, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। बेनिफिट नंबर फोर, देखिए फ्रेंड्स, आजकल बहुत लोगों को ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे प्रसव करने के बाद बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होता है या बहुत ही ज़्यादा जलन होता है, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो जान लेते हैं किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना मर्जी से। ब्रेस्ट फीडिंग महिला और प्रेग्नेंट महिला को इस सिरप को नहीं लेना चाहिए, अपना मर्जी से इस सिरप को नहीं यूज़ करना चाहिए। और 5 ईयर्स बच्चों को इसको नहीं देना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर देते हैं तो ले सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो जान लेते हैं इसको डोजेस के बारे में, इसको कैसे लेना चाहिए आप लोगों को, कैसे खाना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस सिरप अगर आपका बच्चों को देना चाहते हो, अगर आपका बच्चों का 12 साल हो गए तो 5 ml दवाई देना है और 5 ml वाटर या पानी मिक्स करके दिन में 3 टाइम देना है, कुछ खाने को बाद देना है। और आपका 18 साल से ज़्यादा हो गए है तो 10 ml करके ले सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 10 ml दवाई और 10 ml पानी लेके दिन में 3 टाइम ले सकते हो कुछ खाने को बाद फ्रेंड्स। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इस सिरप लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, इसका साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर हो गया है तो आप इस दवाई को रोक दीजिएगा और आपका जो नज़दीकी डॉक्टर है उसके साथ ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट करके, हम उसका रिप्लाई भी कर दूंगा फ्रेंड्स। और चैनल पर नया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को अच्छा लगा लाइक भी कर सकते हो, आपका मर्जी है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगला वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।